हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दी अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एन वाला एंड दिस इज शिका मैम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा लेक्चर नंबर थ्री फॉर द सेम चैप्टर दैट वी हैव स्टार्टेड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटा अबाउट ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एन्वायरमेंट और क्या बातें की थी हमने रिस्पॉन्स क्या क्या ऑर्गेनिज्म शो करता है टूवर्ड्स डिफरेंट ए फैक्टर्स एबायोटिक फैक्टर्स हमने डिस्कस भी कर लिए हैं रिस्पॉन्स भी डिस्कस कर लिए हैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अडाप्टेशन की जरूरत क्यों पड़ती है ठीक है अडाप्टेशन होता क्या है तो आज हम एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे कि एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से जिस जिस हैबिटेट में वो रह रहा है वो कैसे अडाप्टेड है उस एनवायरमेंट से और बहुत बखूबी वहां पर रह पा रहा है ठीक है तो कल मैंने आपको एनसीईआरटी में ये लाइंस भी दिखाई थी कि एडाप्टेशन एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का और ये एडाप्टेशन मॉर्फोलॉजिकल फिजोलॉजिकल बिहेवियरल तीनों प्रकार से हो सकती है ठीक है और ये जो अडेप्टेशन है बेटा यही ऑर्गेनिज्म को इनेबल करवाता है वो इस हैबिटेट में रह करके रिप्रोड्यूस कर ले और सर्वाइव कर ले ठीक है जैसे कैक्टस के प्लांट डेजर्ट में आपको मिलते हैं डेजर्ट एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है बट फिर भी वो बखूबी वहां पर रह लेते हैं सर्वाइव कर लेते हैं रिप्रोड्यूस भी कर लेते हैं तो वही हमें अडाप्टेशन पढ़नी है और ये अडेप्टेशन बेटा बहुत ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन टाइम धीरे धीरे पास ऑन होते गए हैं तो अब ये जो बेटा है दैट जेनेटिकली उनके आगे आने वाले जेनरेशन में भी बेटा उन स्पीशीज के आपको वो अडेप्टेशन मिलती है ठीक है अब देखो व्हाट व्यू गोना डू वी गोना स्टडी सम ऑफ देशन के, के एग्जांपल तो सबसे पहले एग्जांपल है बेटा कैंगरू रैट ये रैट बेटा स्पेशल टाइप ऑफ रैट कहाँ पर मिलता है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में अब डेजर्ट्स में रह रहा है लेकिन इसको आप कभी पानी पीते हुए ऐसे देखोगे नहीं क्योंकि बेटा वहाँ पानी है का रेगिस्तान में पानी का मिलना ही बहुत बड़ा आ, आपस आ, अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक बात हो जाएगी है ना क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है बारिश भी नहीं होती इतनी तो ये वहाँ पर कैसे रहते हैं और कैसे अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो दो तरीका होता है बेटा एक तरीका होता है अपने अंदर के फैट को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं ठीक है उसको बोलते हैं इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स बिकॉज दैट फैट विल एक्ट एज रेस्पिरेटरी सब्जेक्ट क्लास इलेवन से पढ़ा है ना और फिर वो रेस्पिरेशन में जाएगा एरोबिकली और

दूसरा क्या लिखा हुआ है? है? ठीक so तो ये अपने यूरिन को भी कंसंट्रेट कर लेते हैं ये दो मेजर होता है इनके में नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है डेजर्ट प्लांट्स कैसे होते हैं तो डेजर्ट प्लांट्स के पास जो प्लांट्स डेजर्ट पे मिलते हैं बेटा उनको जीरो बोलते हैं जैसे डेजर्ट में मिलने वाले प्लांट है कैक्टस अपनशिया एलोवेरा ये सारे जीरोफिटिक प्लांट्स कहे जाते हैं ठीक है इनके पास बेटा थिक क्यूटिकल होता है क्लास इलेवेंथ में एनाटॉमी में पढ़ा होगा ना ये देखो ये होती है एपिडर्मिस ठीक है लीफ की और लीफ के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होता है बेटा इस कोटिंग को क्या बोलते हैं क्यूटिकल क्यूटिकल वैक्स है तो आप खुद सोचो बेटा अगर वैक्स लगी हुई है मोटी सी काफ़ी परत तो उससे पानी का आना और जाना इज़ मुश्किल है ना सिमिलरली अगर ये वैक्सी कोटिंग लगा रहेगा तो पानी इससे निकल नहीं निकलेगा नहीं तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा पानी के निकलने को क्या बोलते हैं बेटा प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन बोलते हैं तो अगर ट्रांसपिरेशन के लॉस को बचाना है तो क्यूटिकल मोटी होनी चाहिए तो ये एक प्रकार की अडाप्टेशन होती है इन प्लांट्स में दूसरा स्टोमेटा अरेंज इन डीप पिट्स इनके जो स्टोमेटा होते हैं बेटा बिकॉज आपको पता है बेटा पानी का जो लॉस होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है और ये जो लॉस होता है पानी का स्टोमेटा के थ्रू इसी को क्या बोलते हैं बेटा ट्रांसपिरेशन क्या बोलते हैं इसको ट्रांसपीरेशन तो इनके स्टोमेटा बाहर की तरफ नहीं होते ये गड्ढे में छुपे हुए होते हैं और ऐसे पिट्स को संकन पिट्स, पिट्स कहते हैं और ऐसे स्टोमेटा को जो इन डीप पिट्स में घुसे हुए होते हैं उनको संकेन स्टोमेटा कहते हैं ठीक है छुपा हुआ स्टोमेटा अंदर दबा हुआ स्टोमेटा ये सब क्यों है कि पानी के लॉस को ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज कर सको उसके बाद इनके पास बेटा एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है जिसको हम कैम बोलते हैं आपने इलेवेंथ क्लास से पढ़ा होगा ना बेटा कि एक सी थ्री पाथवे होता है खाना बनाने के लिए जो सी थ्री प्लांट्स में चलता है एक सी फोर पाथवे होता है जो सी फोर प्लांट्स में चलता है और एक होता है कैम पाथवे ये किस में चलता है बेटा कैम प्लांट्स में ये स्पेशल टाइप ऑफ पाथवे है बेटा और ये स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स में ही चलता है कौन से प्लांट्स में जीरोफाइट्स प्लांट में तो जिन प्लांट्स में ये पाथवे चलती है ऐसे प्लांट को कैम्प प्लांट्स कहा जाता है इसका पूरा नाम होता है क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जिन्होंने मेरे से शायद इलेवेंथ में पढ़ा होगा उनको पता होगा क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है ठीक है तो कैम्प पाथवे ये स्पेशल क्यों है बेटा क्योंकि आपको पता है ना बेटा टोमेटा क्या होता है ड्यूरिंग द डे खुल जाता है और रात के टाइम पर ये स्टोमेटा बंद हो जाता है नॉर्मल स्टोमेटा सारे के सारे ऐसे ही होते हैं बट कैम प्लांट्स में स्पेशल टाइप ऑफ स्टोमेटा मिलता है उस स्टोमेटा का नाम है बेटा स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा ये स्टोमेटा क्या करते हैं स्कोटो का मतलब होता है नाइट मतलब ये नाइट के दौरान एक्टिव होते हैं मतलब ये नाइट के दौरान ओपन होते हैं बेटा ये स्टोमेटा खुलता ही नाइट में है क्यों क्योंकि डेजर्ट में रात का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता है ना तो ये रात में खुलते हैं क्योंकि अगर इनका स्टोमेटा डेजर्ट वाले प्लांट्स का स्टोमेटा बेटा दिन में खुल गया ना तो दिन में डेजर्ट का रेगिस्तान का टेम्परेचर इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा होता है और आपको पता है जब पानी निकलता है पानी का निकलना इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर अगर टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ये पानी का लॉस उतना ज़्यादा होगा तो दिन में अगर स्टोमेटा खुल गया तो पानी का लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है और फिर वो पानी की रिक्वायरमेंट पूरी भी नहीं की जा सकती चलो एक एक तो होता है कि लॉस हो जाए तो तुम उसको पी करके खत्म कर लो तुम्हारे से बॉडी से अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है बेटा तो तुम्हें डॉक्टर्स क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट या बोलते हैं ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर तुम्हारे पास ऑप्शन है ना बेटा पानी पीने का रेगिस्तान वाले प्लांट्स के पास तो ऑप्शन भी नहीं है वाए क्योंकि बारिश ही नहीं होती वहां तो वो कैसे अडाप्ट एड़ाप्त करते हैं तो ये क्या करते हैं अपना स्टोमेटा दिन में खोलते ही नहीं दिन में बंद रखते हैं लेकिन स्टोमेटा का खुलना तो जरूरी है ना क्योंकि जब स्टोमेटा खुलेगा तभी तो सीओ टू अंदर आएगा क्योंकि ये अपना स्टोमेटा दिन में नहीं खोल सकते पानी के लॉस को देखते हुए तो ये अपना स्टोमेटा रात में खोलते हैं अब रात में खोलते हैं सीओ टू अंदर लेने के लिए और उसी रात में फिर थोड़ा बहुत पानी का देखो लॉस तो होगा बट ये लॉस जो रात में हो रहा है स्टोमेटा के खुलने से ये लॉस काफी कम होगा एज कंपेयर कि अगर स्टोमेटा दिन में खुल जाता ठीक है तो ये स्पेशल टाइप ऑफ स्टोमेटा के साथ काम करते हैं और ये स्पेशल पाथवे जो कही जाती है दर इज कैम्प पाथवे अब बच्चों को लगता है कि अगर सीओ टू रात में लिया गया है तो रात में खाना बनता है नहीं बेटा ये सीओ टू रात में लेते हैं इसको बचा के रखते हैं स्टोर करते हैं फिर सुबह जब दिन होती है तो उस लाइट के प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में तो ये एक बहुत अच्छा स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे है इसी को कैम पाथवे बोलते हैं ज़्यादा पढ़ना है तो मेरी रफ्तार की सीरीज देख लेना आपको पता चल जाएगा ठीक है ओके कि कैम पाथवे क्या होता है कैसे वर्क करता है इस चैप्टर में सिर्फ अडाप्टेशन पढ़नी है तो अडाप्टेशन ये है कि जीरो फाइट्स के पास स्पेशल टाइप ऑफ कैंप पाथवे होता है स्पेशल टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक होता है, वो भी एक प्रकार का है टू मिनिमाइज वाटर लॉस इनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टोमेटा होता है जो रात के दौरान खुलता है ना कि दिन के दौरान ठीक है देखो लिखा भी होगा दे स्टोमेटा उसके बाद ये सारे जो मॉडिफिकेशन है बेटा ये इसीलिए हैं सो दैट दे कैन मिनिमाइज वाटर लॉस क्योंकि पानी ही इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जिस जगह पर मिलते हैं वहाँ पर पानी की ही कमी है उसके अलावा स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा ये ऑलरेडी बता रखे हैं इनकी जो लीव्स होती हैं बेटा ये स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है आपने देखा होगा ना कैक्टस ओपेंशिया ये कैक्टस है तो आपको ये ऐसे काटे जो नजर आ रहे हैं ये लीफ है जो किसमें बदल गई है बेटा स्पाइंस में ऐसा क्यों क्योंकि अगर लीफ होता तो लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा होता है आपको पता है ना जितना ज्यादा ज्यादा सरफेस एरिया बेटा उतना पानी का निकलना होगा क्योंकि स्टोमेटा पर ही तो है अब सरफेस एरिया कम कर दोगे तो पानी का लॉस भी कम होगा तो कैसे करे कम सरफेस एरिया लीफ अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है स्पाइन कांटे के फॉर्म में कर लेती है अब ये कांटा बन गया है सरफेस एरिया कितना कम हो गया तो ये फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पाएगा अब फोटोसेंथिस प्लांट्स के लिए करना बहुत जरूरी है तो और इस मुसीबत को कैसे सॉल्व की जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई बात नहीं लीफ स्पाइंस में आ गया अब लीव के स्पाइंस में आने की वजह से सरफेस एरिया कम हो गया ये फोटोसेंथिस नहीं कर पाएगा कोई ना कोई और कर लेगा कौन करेगा ये स्टेम करते हैं ये स्टेम फिर मॉडिफाई होकर के अपने आप को ग्रीन कर लेते हैं और इस ग्रीन स्टेम को हम क्या कहते हैं बेटा फाइलोक्लैड क्या कहते हैं बेटा फाइलोक्लैड ये इलेवेंथ क्लास के मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है तो फाइलोक्लैड इनके पास होता है बेटा ये एक मॉडिफाइड स्टेम है ठीक है फ्लैट स्टेम होता है ग्रीन कलर का स्पेशलाइज फॉर फोटोसेंथिसिस ग्रीन कलर फॉर फोटोसेंथिसिस उसको क्या बोलते हैं फाइलोक्लैड तो इनके पास ये स्पेशल अडाप्टेशन होती हैं उस एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए रिप्रोड्यूस करने के आगे देखो क्या लिखा हुआ है जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट्स में रहते हैं बेटा वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं आपने देखा होगा बेटा जो पहाड़ों पर मैमल्स होते हैं माउंटेन्स टॉप पर उनके जो ईयर्स होते हैं और जो लिम्स होते हैं जो एक्सट्रीमिटीज होती है एक्सट्रीम मतलब जो एक्सट्रीम मतलब एक यहाँ पर और लिम्स की जो बात कर रहे हैं जो एंड एक्सट्रीमिटीज एंड वो हमेशा छोटी होती है क्यों टू इन ऑर्डर टू मिनिमाइज हीट लॉस तो देखो लिखा हुआ है दे हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस और जिसके बारे में ये जिसने बताया था उनके नाम पर देखो ये रूल है इसका नाम रूल का नाम क्या है बेटा एलंस रूल ऐसे और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जॉर्डन्स रूल रेंच रूल्स बट दिस इज़ नॉट इन दिन सी सिर्फ यही रूल है तो आपको यही पढ़ना है तो डिफाइन करने के लिए बोलता है कि डिफ़ाइन करो एलेंस रूल तो वॉट इज एलेंस रूल कि जो मैमल्स जो स्पीशीज़ कोल्डर क्लाइमेट्स में मिलते हैं उनके जो ईयर्स हैं और लिम्स हैं वो छोटे होते हैं सो दैट दे कैन मिनिमाइज देअर हीट लॉस ओके नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्या है पोलर सी पोलर सी में जो रहता है बेटा वो सील्स आपने देखा होगा नेशनल जोग्राफी के डिस्कवरी में सील्स होती हैं पोलर सील्स जो पानी में मिलती हैं सील्स अब जो सील्स पोलर सीज में मिलती है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है उनको पोलर सील्स कहते हैं बेटा पोलर आइज पोलर रीजन बर्फ ही जमा होता है पानी में भी बर्फ जमा होता है ठीक है पानी इतना तो ठंडा फ्रीजिंग इतना ठंडा तो कैसे रह पाते हैं बेटा वो उनकी जो चमड़ी होती है ना कहते हैं बेटा जो मोटे चमड़ी वाले होते हैं उनका ठंड कम लगती है ऐसा बहुत लोग तुमने सुना हुआ होगा ठीक है तो उसका रीज़न बस ये है कि वो जो थिक लेयर ऑफ फैट होता है एडिपोज वो एज अ इंसुलेटर की तरह काम करता है ठीक है और उनको ठंड से बचा लेता है आपने देखा होगा जितने भी आ, कश्मीर में या मनाली साइड में जो घर हैं या कनाडा वगैरह की बात करो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है माइनस में टेम्परेचर चला जाता है वहाँ के घर आपने वुडन ही देखे होंगे बिकॉज वुड इज ऑल्सो वेरी गुड इंसुलेटर पढ़ते हो गए आप ठीक है तो वही फिनोमिना है इंसुलेटर वाला कि जो पोलर सीज होते हैं उनके पास थिक लेयर ऑफ फैट होती है मोटी चमड़ी है फैट की और उस थिक लेयर ऑफ फैट को ब्लबर बोलते हैं ठीक है थीके? उनके में ब्लबर मिलता है एक्वेटिक मैमल्स में स्किन के जस्ट नीचे और यही किसकी तरह एक्ट करता है बेटा इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है और बॉडी हीट को कम कर देता है अच्छा एक चीज़ आप नोटिस करोगे ना बेटा एन में इतने अच्छी तरीके से हेडिंग दे दे करके नहीं लिखा हुआ है कि कैंगेरू रैट के ये तीन पॉइंट्स हैं जीरोफिटिक प्लांट्स के ये सारे पॉइंट हैं इन दोनों ने पैराग्राफ में लिखा हुआ है आपको सेग्रीगेट करना पड़ता है बट आपका काम मैंने ईजी किया है मैंने सारे सेग्रीगेशन करके रखे हैं ठीक है ना वट यू हैव टू डू अच्छे से नोट्स बनाना है क्वेश्चन आए तो यहाँ से उठा करके वहाँ लिखना है ठीक है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट चलते बेटा इसकी बात करें हम अब हम बात करते हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस तो बेटा सबको ही होगी जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हो तो एन सी आर टी ने एग्जाम्पल लिया हुआ है रोहतांग पास आगे मनाली साइड सुना होगा आपने ठीक है तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है दे स्टार्ट वॉमिटिंग फीवर नोशिया ये सब शुरू हो जाता है ठीक है ब्रीदिंग रेट ठीक है सब महसूस किया होगा कुछ लोग तो बेटा छोटे मोटे पहाड़ों पर उल्टियाँ मारते हुए जाते हैं वो एक्चुअल में वो सफर सफर करा देते हैं ठीक है समझ में आ रहा है ना वैसे तो लोगों के साथ तो बेटा दूरी रहना है जर्नी प्लान करने से पहले ठीक है आजकल तो वैसे दवाई खा लो तो बेटा ठीक हो जाता है बट कुछ लोगों को इतना ज्यादा होता है कि इट टेक्स टाइम जैसे लेह लद्दाख में आपने अगर कोई आपके दोस्त वगैरह गए हुए हैं ना तो उन उनसे पूछना वो एक दिन रेस्ट करते हैं क्योंकि उनको बोला जाता है कि पहले आप वहाँ के वेदर से एक्मेटाइज हो जाओ अडाप्ट कर जाओ एक दिन के बाद आपकी बॉडी पूरे तरीके से फिजोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करती है आप फिजोलॉजिकली एडेप्ट हो जाते हो देन आप बड़े आसानी से घूम सकते हो बिकॉज ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर बहुत कम है तो ये ऑल्टीट्यूड सिकनेस इसलिए होता है कि जैसे जैसे आप आगे जाते रहते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता रहता है आपने पढ़ा होगा है ना जिसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती तो कैसे बॉडी हमारी रिस्पॉन्स uh, शो करती कैसे अडेप्ट करती तो सुनो क्या होता है ऑल्टीट्यूड सिकनेस ये सिकनेस ये जो बीमारी है ये एक्सपीरियंस होती है जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हो जहाँ पर बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता क्यों इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता ड्यू टू लो एटमोस्फेरिक प्रेशर इस ऑल्टीट्यूड सिकनेस में एक ऑर्गेनिजम को क्या होता है इट कॉजेज नौजिया हमेशा आपको नौजिया वाली फीलिंग लगी रहेगी फटीक थके हुए रहोगे हार्ट पाल्पिटेशन इंक्रीज हार्ट बीट ठीक है इन कंडीशन में बॉडी कैसे रिस्पॉन्स शो करती है आर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है बाइंडिंग कैपेसिटी हेमोग्लोबिन की घट जाती है ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है ये तीन अडेप्टशन हमारी बॉडी शो करती है और ऑल्टीट्यूड सिकनेस को ओवरकम करती है ये तीनों एन की बातें अगर पूछा जाए कि ऑल्टीट्यूड सिकनेस में बॉडी के वो तीन रिस्पॉन्स अडेप्टन शो दिखाओ लिखो तो ये है अब जो बॉडी के अंदर हो रहा है ना बेटा दैट इज फिजोलॉजिकल अडेप्टन जो अपंशिया में कांटे बन गए थे उनके ऊपर वो तुम बाहर से देख पा रहे थे वो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टन थी टैंगरू रैट अपने यूरिन को कंसंट्रेट कर पा रहे थे इंटरनली फैट को ऑक्सीडाइज कर पा रहे थे वो भी शरीर के अंदर हो रहा था तो वो फिजियोलॉजिकल अडेप्टन है ठीक है ओके okay, ये भी किस प्रकार के अडेप्टन है बेटा फिजियोलॉजिकल अडेप्टन है जो चीज आप आंखों से देख पाते हो वो मॉर्फोलॉजिकल है एक जगह से दूसरी जगह छोड़ करके चले जाना माइग्रेट कर जाना वो बिहेवियरल है ठीक है ये देखो उन्होंने लिखा भी हुआ है कि ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन एक ऑर्गेनिज्म को अच्छे से रिस्पॉन्ड करने का मौका देता है ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन में एनसीआरटी में देखो लिखा भी हुआ है बेटा मैं आपको रीड करा देती हूँ रोहतांग हाँ ये देखो सेकेंड हाँ आप देख सकते हो बेटा उसमें लिखा हुआ है कि रोहतांग पास में क्या होता है का सॉरी दादा तो मैं घुमा दी हाँ देखो ऊपर तो देखो उन्होंने सारे एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं देखो सील्स का एग्जाम्पल लिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब यहाँ पर देखो कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फिजोलॉजिकली रिस्पॉन्ड शो करते हैं इफ़ यू हैवर बीन टू हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस मोर देन साढ़े तीन हजार मीटर रोहतांग पास का एग्जाम्पल दिया है नियर मनाली ठीक है या फिर ले लद्दाख जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था यू मस्ट हैव एक्सपीरियंसड व्हाट इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड सिकनेस तो आपने ज़रूर किया वो एक्सपीरियंस इसमें क्या होता है इसके सिम्टम्स में नोजिया फट फटीग या हार्ट पाल्पिटेशन होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है ऐसी जगहों पर और बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और ग्रेजुअली आप एक्लिमेटाइज करते हो धीरे धीरे टेक्स टाइम बॉडी को टाइम लगता है बट एक्मेटाइज कर जाते हो सिचुएशनल बेसिस पर ठीक है एडेप्ट कर जाते हो और ऑल्टीट्यूड सिकनेस ठीक हो जाती है हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम तो उसने कैसे सॉल्व किया तो इन्होंने देखो इन आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया बाइंडिंग एफिनिटी हेमोग्लोबिन की कम कर दी ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दिया ठीक है तो ये तीन रिस्पॉन्सेज शो करके आप एक्लेमेटाइज कर जाते हो ये हमने लिख लिया नेक्स्ट नेक्स्ट अडेप्टन हम क्या पढ़ने वाले हैं मोस्ट ऑफ दी मै एनिमल्स में देखो क्या लिखा हुआ है एनसीआर में इन मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं या कोई भी फिजोलॉजिकल फंक्शंस होता है बेटा हमारे शरीर में आपको बताया है ना वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही होता है तो अगर वो बाहर का टेम्परेचर बदल रहा है तो अगर अंदर के सेल का टेम्परेचर बदलेगा तो एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती और हम बीमार पड़ जाते हैं इसीलिए ह्यूमन्स हो या कोई भी जानवर हो कोई भी प्लांट हो प्लांट कर नहीं पाते वैसे रेगुलेट ठीक है लेकिन हम तो बेटा कर लेते हैं रेगुलेट बिकॉज वी कम अंडर दी रेगुलेटर वाला पार्ट है ना हम थर्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन जो तो एनिमल्स हैं वो कर सकते हैं तो रेगुलेटर बन जाते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है कि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस या फिजोलॉजिकल फंक्शंस प्रोसीड करती हैं वो नैरो टेम्परेचर रेंज में ही करती हैं जैसे ह्यूमंस में ये जो टेम्परेचर की रेंज है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे शरीर का जो भी काम है वो इसी टेम्परेचर में हो रहा है ठीक है एनसीआरटी की बात है लेकिन ऐसे कुछ माइक्रोब्स है बेटा लाइक आर्की बैक्टीरिया वो हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल बेंच में रह सकते हैं जहां का टेंपरेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा है तो क्लास इलेवन से पढ़ाया गया था ना कि एक आर्की बैक्टीरिया को एक्सट्रीम कंडीशन से रहना पसंद है आर्की बैक्टीरिया को बेटा लवर्स ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन कहा जाता है तो कैसे आर की बैक्टीरिया ऐसी जगह पर रह जाते हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते बिकॉज इनका सेल एनवलप जो है वो बहुत यूनिक होता है इनकी सेल वॉल बहुत यूनिक होती है क्लास एलेवेंथ में ये लिखा हुआ है तो उस उसके बदौलत बेटा दे कैन लिव एनी इनके बड़े सारे टाइप्स होते हैं एंड दे आर फेमस इसीलिए बिकॉज दे कैन लिव एनी ठीक है उसके बाद एन सी आर टी एंटार्टिक फिशे के बारे में बताती है एंटार्टिक नाम से सुन रहा होगा बेटा बर्फ बर्फ इमेजिन कर पा रहे हो हर जगह बर्फ ही बर्फ है तो डेफिनेटली कहीं पर अगर आइस जम रही है तो आप उसका टेम्परेचर इमेजिन कर सकते हो तो इतने ठंडे टेम्परेचर पे भी ये फिशेस बड़े आसानी से रह जाती हैं कैसे रह पा रही हैं दे माइट हैव सम है adaptation. क्या अडेप्टन है वो तो देखो लिखा हुआ है इनकी जो बॉडी फ्लूइड है ठीक है ये जो जो मछलियाँ हैं बेटा ये देखो जीरो डिग्री से भी कम में सर्वाइव कर जाती हैं इस पा ऐसे पानी में तो बेटा सब कोई जम जाए हम फ्रीज हो जाए टाइक्टैनिक तुमने देखी होगी है ना सब कोई फ्रीज हो जाता है ये फ्रीज क्यों नहीं हो पाती बिकॉज इनके अंदर जो बॉडी फ्लूड होता है बेटा दे हैव एंटी फ्रीजिंग सोल्यूट और वही एंटी फ्रीजिंग सोल्यूट बेटा इनको फ्रीज नहीं होने देता तो देखो लिखा हुआ है द बॉडी फ्लूड इन मछलियों का कंटेंस एंटी फ्रीज सॉल्यूट ठीक है बाय विच They can manage to keep their body fluids away from freezing. Body fluids इसलिए उनके फ्रीज ही नहीं करते और इसलिए बड़े मजे में आपको वहाँ पर एंटार्टिक फिशे घूमते हुए नजर आ जाएंगी। ओके okay, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बहुत सारे मरीन वर्टीब्रेड्स और फिशेज की बात की एनसीआर टी ने सब कुछ पैराग्राफ में ही किया हुआ है ठीक है तो देखो लिखा हुआ है कि ये जो मरीन वर्टिब्रेड्स होते हैं बेटा ये कहाँ पर मिलते हैं देखो जब हम ऊपर जाते रहते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाता है और जब हम नीचे जाते रहते हैं डीप डाउन दी ओशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चला जाता है इतना ज़्यादा प्रेशर होता है बेटा नीचे समुद्र के नीचे जाते जाओगे हंड्रेड टाइम ज़्यादा होता है तो प्रेशर जब इतना ज़्यादा हो जाता है हंड्रेड टाइम्स ज़्यादा तो ऐसे प्रेशर को क्रशिंग प्रेशर कहा जाता है मैं और आप शायद नहीं रह सकते वहाँ पर बट वहां पर कुछ इन्वर्टिब्रेट्स रहते हुए दिखाई देते हैं क्यों क्योंकि उनके पास बायो है ठीक है तो लिखा हुआ है कि ये जो लार्ज वैरायटी फिशेस इन वर्टिब्रेट्स है दे आर एडेपेड बायो केमिकली और इसी वजह से ये इतने डीप डेप्थ तक रह सकते हैं ओशन में जहाँ का प्रेशर बेटा इट कुड बी मोर देन हंड्रेड टाइम्स और ऐसे प्रेशर को क्या कहते हैं बेटा जब प्रेशर इतना ज्यादा हो एटमोस्फेरिक प्रेशर से हंड्रेड टाइम ज्यादा हो तो ऐसे प्रेशर को बेटा क्रशिंग प्रेशर कहा जाता है क्रश हो सकता है ऑर्गेनिज्म बट इनको देखो बड़े मजे में रह पा रहे हैं ठीक है उसके बाद लास्ट अडेप्टन बिहेवियरल अडेप्टन ये कैसी थी बायोकेमिकल ठीक है ये कैसी है लिजर्ड वाली छिपकली वाली बिहेवियरल बिहेवियरल कैसे जैसे कि सर्दी आने वाली बेटा अभी इतनी तो आई नहीं है बट आएगी अभी ठीक है कि जब हम धूप निकलेगी नहीं और तरस जाते हैं तो जब धूप निकलती है छुट्टी का टाइम है तो तुम भी धूप सेकने चले जाते हो छत पर कि मम्मा मैं अभी आ रहा हूँ या आ रही हूँ धूप सेक करके आते हो तो वो एक प्रकार का बिहेवियरल अडेप्टशन शो करते हो विंटर में छिपकली तो भी ऐसे करती है बेटा डेजर्ट ये क्या करती है जब इनको लगता है इनके बॉडी घट रहा है लो हो रहा है तो ये धूप में सन बात लेने चले जाते हैं है ना और जब इनका अच्छा खासा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये फिर से अपने बिल की तरफ बड़ों की तरफ मूव कर जाते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है डेजर्ट लेजर्ट्स देखो हर ऑर्गेनिज्म फिजोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टन शो करें जरूरी नहीं है जैसे इन लेजर्ट्स के पास किसी भी प्रकार की फिजियोलॉजिकल अडेप्टन नहीं है दैट इज वाई ये दूसरे प्रकार का अडेप्टन शो करते हैं जिनका नाम है बिहेवियरल देखो क्या लिखा हुआ है दे लैक द दिजोलॉजिकल एबिलिटी टू कोप विद द एक्सट्रीम टेम्परेचर बट ये किसी भी तरीके से अपने बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करना चाहते हैं और इसीलिए किसका सहारा लेते हैं बिहेवियरल अडेप्टन का सहारा लेते हैं ठीक है ये बास्क मतलब ये अपने आप को धूप सेकने के लिए चले जाते हैं इन हिंदी सन और ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब इनका बॉडी टेम्परेचर कंफर्ट जोन से घट जाता है कब जाते हैं धूप सेकने बेटा जब इनका बॉडी टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा अब जब धूप सेक रहे हैं तो सेकते सेकते तो बढ़ जाएगा ना बॉडी टेम्परेचर तो क्या होगा देखो दे मूव इन टू देड जब एम्बियन टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग जब उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा ये वापस से शेड में चले जाएंगे ठीक है तो ये था सारे के सारे अडेप्टेश के बारे में ठीक है आप देख सकते हो मैंने आपको यहाँ तक तो कली रीड करा दिया था ठीक है मैं आपको फटाफट एनसीआरटी की लाइन्स दिखा देती हूँ ऑलरेडी हमने नोट्स में लिखा हुआ है तो आपको दोबारा से पढ़ने की लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स का हमने पढ़ लिया इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन के थ्रू करता है बेटा और ये अपने यूरिन को कॉन्सनट्रेट कर लेता है आप देख सकते हो आपके नोट्स में मिलेगा उसके बाद डेजर्ट प्लांट्स में थिक क्यूटिकल होता है स्टोमेटा डीप पिथ्स में होते हैं देव स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथ पे जिसको कैम बोलते हैं इनका स्टोमेटा दिन में बंद और रात में खुलता है ठीक है ओपेंशिया के पास कोई लीव्स नहीं होती क्योंकि स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं ठीक है ठीके? और इनके पास एक फ्लैटन स्टेम होता है ग्रीन लाइक -like, जिसको फाइलोक्लाइड बोलते हैं ये भी हमने पढ़ लिया है उसके बाद मैमल्स के पास शॉर्टर ईयर्स होता है कोल्डर क्लाइमेट्स में इसको एलेंस रूल बोलते हैं पढ़ लिया टील्स के पास मोटी चमड़ी होती है फैट की ब्लबर जो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है पढ़ लिया ऑल्टीट्यूड सिकनेस वाली बात तो पढ़ ही ली थी उसके बाद देखो बहुत सारे एनिमल्स के अंदर जो फंक्शंस होता है वो नैरो टेम्परेचर पे होता है जैसे ह्यूमंस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बट आर की बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिल सकते हैं हॉट स्प्रिंग या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हाउ इज दिस पॉसिबल बिकॉज इनका सेल वॉल यूनिक होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस ये किसी भी एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं ठीक है वो भी केमिकल बेस्ड ही हो गया बेटा क्योंकि इनका जो सेल वॉल होता है एलेवेंथ क्लास में पढ़ा होगा सीडोम्यूरिन बोलते हैं बहुत सारे फिश बेटा एंटार्टिक वाटर्स में रह पाती हैं उनका बॉडी फ्लूड अंदर का फ्रीज इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इन्होंने लिखा नहीं है इन्होंने पूछा है आपसे इन्होंने आपसे पूछा है मैंने आपको बता दिया है एंटी फ्री सॉल्यूट होता है इनके पास उनके अंदर बेटा बॉडी के अंदर एंटी फ्री सॉल्यूट होता है ये भी एक प्रकार का फिजोलॉजिकल उसके बाद बहुत सारे मरीन हैं बेटा ये बहुत ज्यादा पर रहते हैं मोर देन हंड्रेड टाइम्स ये कैसे रह पाते हैं तो इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन भी पूछा है आंसर भी दे दिया हुआ है कि इनके पास बायो केमिकल अडेप्टन होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म बिहेवियरल रिस्पॉन्स शो करते हैं क्योंकि ये फिजोलॉजिकल एबिलिटी नहीं है इनके पास कोप अप करने के लिए और इसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था डेजर्ट ले तो ये सब कुछ लिखा हुआ है आप नोट उठा के देख ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अब यहाँ पर हमने ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी पूरी पढ़ ली है ठीक है नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स पॉपुलेशन लेवल ऑफ इकोलॉजी बिकॉज इस चैप्टर में बेटा आपको ऑर्गेनिज्म लेवल और पॉपुलेशन लेवल ही पढ़नी है नेक्स्ट जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें कम्युनिटी लेवल ऑफ इकोलॉजी थोड़ी बहुत दी हो तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन क्या होता है बेटा जब सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को ग्रुप कर दो झुंड बना दो जैसे ह्यूमन है मैं मैं हो गई आप हो गए बेटा हम जैसे सारे लोग हो गए इनकी ग्रुप कर दो तो बन जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स इंडिविजुअल जैसे हैं नहीं मैंने बताया था ना पॉपुलेशन के जो कैरेक्टर्स होंगे वो इंडिविजुअल से अलग होंगे कैसे देखो लिखा हुआ है पढ़ना एनसीआरटी पॉपुलेशन हैज सर्टन एट्रीब्यूट्स जो इंडिविजुअल के पास नहीं हो सकते जैसे इंडिविजुअल के पास क्या होता है बेटा इंडिविजुअल के लिए हम बर्थ डेट लिखते हैं ठीक है इंडिविजुअल के लिए हम डेथ रेट लिखते हैं इंडिविजुअल के लिए सेक्स या जेंडर बताया जाता है इंडिविजुअल के लिए एज बताया जाता है क्या आपको ये पॉपुलेशन में मिलेगा नहीं अब पॉपुलेशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन में हम बर्थ रेट की बात करते हैं ठीक है और किसकी बात करते हैं बेटा डेथ रेट की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं बेटा एज पिरामिड की बात करते हैं और सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो आप खुद देखो क्या दोनों के कैरेक्टर्स सेम है नहीं जमीन आसमान का फर्क है ठीक है ये तो आपको पता ही आप इंडिविजुअल लेकर के एग्जाम्पल दे सकते हो और इसके एट्रीब्यूट्स तो इस लेक्चर में हम पढ़ने ही वाले हैं ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एट्रीब्यूट्स पॉपुलेशन के आर एस फॉलोर्स तो चार एट्रीब्यूट हम पॉपुलेशन के लिए पढ़ेंगे बर्थ रेट डेथ रेट एज पिरामिड एंड सेक्स रेट ठीक है आपने पढ़ भी रखा होगा बेटा ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है बहुत ही नॉर्मल जनरल बेस्ड चीजें हैं जो आप पढ़ने वाले हो तो so, सबसे पहले एज यू कैन सी व्हाट इज देयर बर्थ एंड दी डेथ रेट्स तो ये रेट्स क्या होते हैं बेटा नाम से पता चल रहा होगा जो बर्थ के बारे में बताए जो डेथ के बारे में बताए या आप कह सकते हो जैसे कोविड के टाइम पर बच्चा जब डेथ हो रही थी लोगों की तो वो आपको जो बताया जा रहा था फिगर न्यूज में वो एक्चुअली डेथ रेट्स ही तो थे ठीक है वो एक एक इंसान का नहीं बता रहे थे वो ग्रुप्स का बता रहे थे कि इस स्टेट में स्टेट में स्टेट में देखो ये हालत है कोविड से ये डेथ हो रही है ठीक है तो वो जो रेट्स था वो क्या एक्सप्रेस करता है चेंज इन नंबर अब नंबर में आपके पास बेटा दस टॉफी है तो वो चेंज हो जाए हम कहते दस की बजाय कुछ और हो जाए तो चेंज तो दो प्रकार से हो सकती है ना आपने दस में से पांच खा ली या हो सकता है आपने पांच नहीं ऐड कर दी तो घटाने बढ़ाने से दोनों वजह से नंबर चेंज हो सकता है तो चेंज इज नंबर कुड बी बिकॉज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज कब होगा बेटा जब किसी का जन्म होगा बर्थ डिग्रीज कब होता है बेटा जब किसी की डेथ होती है और यही चेंज फिर हम दर्शाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ रेट्स दैट इज बर्थ एंड डेथ रेट्स और क्या लाइन लिखी रहती है ये जो रेट्स हैं रिफर करते हैं पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ्स रिस्पेक्टिवली पर कैपिटा बर्थ हमारा बर्थ रेट हो गया पर कैपिटा डेथ हमारा डेथ रेट हो गया तो एक टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में से कितने लोगों की बर्थ है कितने की डेथ है ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं अब कैलकुलेट करोगे कैसे जैसे एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स लेकर के एक्सप्लेन किया गया है बर्थ रेट के लिए देखो क्या एग्जांपल लिया हुआ है बर्थ रेट के लिए एग्जांपल है फॉर एग्जांपल एक तालाब है बेटा ठीक है उस तालाब में 20 लोटस के प्लांट थे अगले साल आठ नए प्लांट आ गए ठीक है अगले साल आठ नए प्लांट आ गए ठीक है देखो बर्थ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा टी ठीक है डेल्टा एन क्या होता है बेटा डेल्टा मतलब चेंज डेल्टा एन इज चेंज इन पॉपुलेशन जब भी पॉपुलेशन में चेंज निकालोगे तो कैसे निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल ठीक है एन यहां पर क्या है बेटा इनिशियल पॉपुलेशन और ये क्या है बेटा चेंज इन टाइम ठीक है तो पहले क्या थे बीस प्लांट्स थे तो ये क्या हो गया इनिशियल पॉपुलेशन आठ नए आ गए एक साल में तो टोटल कितनी हो गई बेटा फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो गई अट्ठाईस ठीक है तो फाइनल माइनस इनिशियल करो फाइनल ट्वेंटी एट इनिशियल कितनी हो गई ट्वेंटी ठीक है डिवाइड करो इनिशियल से तो ट्वेंटी कितने चेंज था एक साल का इंटू वन आप निकाल लो इस तरीके से आपको एट बाई ट्वेंटी ठीक है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना वो आपका बर्थ रेट होगा डेथ रेट कैसे निकालोगे डेथ रेट के लिए भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही होता है बेटा ये क्या हो जाएगा डेल एन एन डेल्टा टी ठीक है डेल एन वही चेंज इन पॉपुलेशन बट यहां पर अब जो चेंज आएगा वो मरने से आएगा वहां पर बर्थ से आ रहा था यहाँ पर डेथ से वो चेंज आता क्योंकि अब आप डेथ रेट बता रहे हो ठीक है एन वही इनिशियल पॉपुलेशन डेल्टा टी इज चेंज इन पॉपुलेशन तो होता क्या है अब मैं कोई अलग एग्जाम्पल लेती हूँ मान लो चार फ्रूट फ्लाई है फोर्टी फ्रूट फ्लाई है फॉर एग्जाम्पल ठीक है इसमें से चार मर जाए चार की डेथ हो गई लैब में होगा क्या अब फाइनल कितना हो गया चार मरने से बेटा फोर्टी हो गया ठीक है तो अब डेल्टा एन कैसे निकालोगे कितने का चेंज आया बेटा कितने का चेंज आया बताओ पहले कितने थे फोर्टी फोर फ्लाई, क्या करें हम एक एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाला लें आप ये वाला एग्जांपल लेके भी कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते ठीक है तो अगर हम चेंज निकाले बेटा तो कितने का चेंज आ गया बताओ 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 यस yes, तो अभी तक कैलकुलेट कर लिया होगा बेटा चेंज आपको दिख रहा है पहले चौवालीस थी अब चालीस हो गई तो चार का ही तो चेंज आया अब यहाँ पर फाइनल नेशनल नेगेटिव में मत निकालना सीधा सीधा चेंज देखो तो चेंज तो चार का ही आया ना चार ही तो मरे बेटा तो फोर अपॉन फोर्टी फोर कर दो एक साल की बात है तो इंटू वन हो जाएगा टाइम तो आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो वो आपका डेथ रेट होगा तो यहां पर डेथ रेट बर्थ रेट क्या बता रहे हैं बेटा चेंज इन पॉपुलेशन बता रहे हैं ठीक है अगर डेथ रेट होगा तो वो चेंज इन पॉपुलेशन डेथ की वजह से जो आ रही है यहां पर चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू बर्थ आ रही है ठीक है ये नंबर्स बदल सकते हैं कंसेप्ट यही होगा क्वेश्चन ऐसे ही करने होंगे अगर सब्जेक्टिव में आते हैं तो ठीक है ओके okay. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्स रेशियो के बारे में ठीक है नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बेटा सेक्स रेशियो के बारे में तो सेक्स रेशियो भी आपने पहले सुना होगा बेटा बहुत सारे स्टेट है अब तो वैसे हरियाणा का अच्छा हो गया है नहीं तो आपने हरियाणा का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल सुना होगा कि वहाँ पर सेक्स रेशियो इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज़ फ़ीमेल टू मेल की रेशियो देखी जाती है है ना और वहाँ पर फीमेल डिसाइड बहुत ज़्यादा तो फीमेल की संख्या बहुत कम थी तो बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा बट अब इतना नहीं सुनने को आता बिकॉज अब चीज़ें एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है तो अब ठीक है वहाँ पर है ना वहाँ क्या हर जगह ही मोस्टली लेकिन कुछ जगह है बेटा तुम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते तो एनी तो फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर एक गाँव में हज़ार इंडिविजुअल हैं इस हज़ार में बेटा फीमेल इंडिविजुअल छः सौ है फॉर एग्जाम्पल मेल चार सौ वाह कितना अच्छा है ना एक ऐसा एग्जाम्पल यह है कि जहाँ पर फीमेल की संख्या ज़्यादा दी हुई है तो जब फीमेल और मेल का रेशियो निकालते हो बेटा इस रेशियो को क्या कहते हो आप सेक्स रेशियो कहते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए इनके इंडिविजुअल्स में टू गेट अ बेटर सेक्स तो हो क्या, क्या होता है अपने गली मोहल्ले का एग्जाम्पल ले लो. तो क्या उसमें? एक ही प्रकार का एज ग्रुप है नहीं उसमें आपको दादा दादी नाना नानी वाले भी मिलेंगे मम्मी पापा अंकल आंटी वाले भी मिलेंगे ठीक है कुछ यंगर जनरेशन थर्टी वाली मिलेगी कुछ बच्चे वाली जनरेशन मिलेगी जो आपको गली मोहल्ले में खेलते कूदते नजर आ जाएंगे तो डिफरेंट ग्रुप है, है ना? तो आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन जो भी एट अ एनी गिवन टाइम इज कम्पोज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस जैसा अभी मैंने आपको गली मोहल्ले का एग्जाम्पल दिया इसमें प्री रिप्रोडक्टिव भी होंगे जो यंगर जनरेशन होती है बेटा जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते जो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो सारे के सारे रिप्रोडक्टिव एज में आ जाएंगे जो अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते ओल्डर एज ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे बेटा पोस्ट रिप्रोडक्टिव में तो किसी भी जगह को आप देख लो वहां की जो पॉपुलेशन होगी उस पॉपुलेशन में आपको जो इंडिविजुअल्स मिलेंगे वो इसी तीन एज ग्रुप के ही मिलेंगे ठीक है तो जब आप किसी फॉर एग्जाम्पल मोहल्ले की स्टडी कर रहे हो आप जानना चाहते हो सर्वे हो रहा है फॉर एग्जाम्पल तो आप कि स्कूल में रिसर्च आपको दिया गया करवाते रहते हैं ना स्कूल वाले सर्वे एक एक, एक, एक प्रोजेक्ट दे देते हैं आपको आपका प्रोजेक्ट ये है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी में आप जाओ और प्रोपोर्शन देखो किसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है इसका 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 और उसके आ, ये सब निकालने के बाद डेटा जब आपके पास आ जाएगा तो प्लॉट करना ग्राफ पे ठीक है तो आपको किस प्रकार का शेप मिलेगा ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन एज ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राफिकली उस रिप्रेजेंटेशन को हम एज पिरामिड कहते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन इज कैरीड आउट बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ एज पिरामिड अब एज पिरामिड क्या है एज पिरामिड एक प्रकार का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पर डिफरेंट एज ग्रुप वाले पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बताया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो ये तीन आपके एन में दिए हुए हैं सबसे पहला ग्राफ आप देखो ये वाला इसमें जो येलो वाला बेस है वो प्री रिप्रोडक्टिव है दैट मीन्स ये यंगर लोगों का प्रोपोर्शन बताया देखो कितना ज़्यादा है ठीक है उसके बाद ये जो ब्लू वाले हैं बेटा ये रिप्रोडक्टिव वाले हैं अब देखो रिप्रोडक्टिव एज बेटा बहुत रेंज वाइज बहुत बड़ी है ठीक है प्यूबर्टी जब से आ गई सब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो और उसके बाद टिल मीनोपॉज इन फीमेल ठीक है तब तक रिप्रोड्यूस कर सकते तो बहुत बड़ी हो गई है ठीक है टिल फिफ्टी मतलब तेरह चौदह पंद्रह साल से स्टार्ट होकर के फिफ्टी तक तो वो रेंज बहुत बड़ी है इसलिए आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है ठीक है तो आप देखो ये है रिप्रोडक्टिव एज वाले ये भी और ये भी तो इनका प्रपोर्शन यंगर वालों से कम है ठीक है इसके बाद ये जो पिंक वाले हैं ना ये पोस्ट प्रोडक्टिव वाले जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो इनका प्रोपोर्शन देखो क्या हो गया है कम हो गया है है ना तो ये कैसे निकालते हैं बेटा सर्वे करके आप भी अपने गली मोहल्ले में सोसाइटी में सर्वे करो और आप देखो आपको किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन मिलता है ठीक है तो इंडिया का ना सर्वे जब किया गया था तो इंडिया में सारे जो रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं उनका प्रपोर्शन देखा गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव वालों का देखा गया बच्चों वाले प्रपोर्शन देखे गए प्री रिप्रोडक्टिव उसके बाद डिफरेंट एज ग्रुप वालों को कंस्ट्रक्ट किया गया ग्राफिकली तो जो एज पिरामिड हमारे इंडिया के निकल के आती है बेटा वो ये होती है हमारे इंडिया में यंगर जनरेशन ज़्यादा है उससे कम किसकी है रिप्रोडक्टिव और उससे भी कम किसकी है पोस्ट रिप्रोडक्टिव वालों की तो जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं ये एक्सपैंडिंग है ठीक है और यहाँ पर यंगर जनरेशन ज़्यादा है ना और बूढ़ों की कम है तो हम इसको बोलते हैं ये पॉजिटिव ग्रोथ रेट है ऐसा होना चाहिए इज अ गुड काइंड ऑफ अ ग्रोथ रेट है ना? और आपको शेप कैसा मिल रहा है पिरामिड का ये देखो आपको कैसा शेप मिल रहा है बेटा ट्राइंगर कैसा मिल रहा है ट्राइंगुलर तो हमारे यहाँ इंडिया में इसी प्रकार का एज पिरामिड मिलता है ट्राइंगुलर शेप शेप वाला एज पिरामिड जिसको एक्सपैंडिंग पिरामिड बोलते हैं नेक्स्ट आप देखोगे बेटा तो इसको स्टेबल कहा गया है क्योंकि इसको हम मेच्योर भी कहते हैं एज सच यहां पर हम इसको बोलते हैं जीरो ग्रोथ रेट क्योंकि तो यहां पर देखो यंगर वाले का और रिप्रोडक्टिव वाले का प्रपोर्शन सेम है।, है ना तो यहाँ पर देखो शेप कैसी मिल रही है बेटा बेल की तरह बेल शेप एक आपको पिरामिड ऐसा भी मिल सकता है बेल शेप वाला जैसे यूएस वगैरह का जब आप एज पिरामिड कंस्ट्रक्ट करोगे तो वहाँ पर कुछ हिसाब से इसी तरीके का मिलेगा है ना अब हमारे यहाँ पर बेटा बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा है हर जगह ज़रूरी हो ऐसा नहीं हर कंट्री में ऐसा ज़रूरी नहीं है तो आपको इस प्रकार का भी एज पिरामिड मिल सकता है कुछ ऐसे भी कंट्रीज है बेटा जब वहां पर एज पिरामिड कंस्ट्रक्ट किया गया सारे प्रपोर्शन को मद्देनजर रखते हुए तो देखो आपको कैसा मिल रहा है यंगर कम है बेटा आप सोच रहे हो सरप्राइज़ तो नहीं हो क्या ऐसी भी कोई कंट्री है जहां पर यंगर जनरेशन कम है यस इटली एंड जापान उनको ओल्ड एज कंट्री कहा जाता है कोविड का जब सबसे पहला फेज़ था आपने सुना होगा क्योंकि तो कोविड का सबसे पहला फ़ेज़ बेटा जो बूढ़े जनरेशंस थी मतलब ओल्ड एज वालों को उनको इफेक्ट कर रहा था और ये जनरेशन क्योंकि इटली में ज़्यादा है वहाँ पर ओल्डर एज ग्रुप वाले प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो वहाँ पर उसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला था इसलिए वहाँ पर न्यूज़ में डेथ्स बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही थी इसलिए वहाँ पर अटैक डेथ ज़्यादा सुनने को मिल रहे थे क्योंकि इटली एंड जापान अ ओल्ड एज कंट्री वहाँ पर ओल्डर की संख्या ज़्यादा है एज कंपेयर टू यंगर वंस ठीक है तो ऐसे को क्या कहते हैं जब यंगर की कम हो और बूढ़े लोगों की ज्यादा हो तो उसको डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ एज पिरामिड कहते हैं और उसको नेगेटिव ग्रोथ रेट कहा जाता है यंगर की ज्यादा होनी चाहिए ठीक है और शेप देखो कैसा आ रहा है बेटा मटके जैसा शेप आएगा इसको हम क्या कहते हैं बेटा अर्न शेप कहते हैं अर्न शेप आपको तीन एज पिरामिड मिलते हैं ट्रायंगुलर, बेल शेप एंड अर्न शेप ठीक है कौन एक्सपेंडिंग है कौन डिक्लाइनिंग है कौन स्टेबल है वी हैव डिस्कस्ड तो यू गेट थ्री टाइप्स ऑफ एज पिरामिड ट्रायंगुलर, बेल शेप्ड एंड शेप द नेक्स्ट वन इज क्या था हमारा अर्न शेप इनके बारे में बेटा मैंने वही ग्राफ पर लिख दिया है एज पिरामिड आए ये पूरा का पूरा उठा के सारी लाइंस लिखोगे एज पिरामिड का ड्रॉ करोगे इनके आगे जो पॉइंट्स लिखे हैं चाहे उसी डायग्राम के नीचे लिख दो या इनके साइड में लिख दो ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन को मेजर कैसे किया जाए ठीक है अब एक जगह के जितने कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वहाँ पर तो उसको क्या बोलते हैं बेटा पॉपुलेशन नंबर कह सकते हो ऐसे शेर एक जंगल में है तो शेर का तुमने नंबर काउंट कर लिया तो वहां पर क्या बोलोगे शेर की पॉपुलेशन साइज उस जगह पर कितनी है या बोलोगे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है शेर की तो क्या बोलते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज अब कैसे निकाली जाती है पॉपुलेशन साइज तो उसके कुछ तरीके हैं तो सबसे पहला तरीका जो आप ब्लैक बोर्ड पर देख पा रहे हो वो है टोटल नंबर काउंट करना जैसे आपको मान लो आपको बोला जाए एक जंगल में भेज दिया जाए और बोला जाए कि जितने भी मैंगो के पेड़ हैं मैंगो के पेड़ उसे जंगल में नहीं मिलते पर फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग मान लो कोई गार्डन भेज दिया गया बोटैनिकल गार्डन भेज दिया गया और वहां जाकर कर के आपके बोल रहे हैं कि मैंगो के पॉपुलेशन डेंसिटी बताओ तो उनका क्या मतलब है कि मैंगो के कितने पेड़ हैं वहाँ पर तुम्हें बताना है तो एक सिंपल सर, सरल तरीका है बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट करना वहाँ पर जाकर के उनका नंबर गिन लो ठीक है तो तुमने देखा कि मैम तुम तुमसे बोला क्या? तुमने बोला मैम पचास मैंगो घिट रही है तो पचास मैंगो का पॉपुलेशन साइज है या पॉपुलेशन डेंसिटी है ठीक है तो देखियो क्या होता है टोटल नंबर बेटा काउंटिंग ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज काउंटिंग ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज ठीक है जितने भी हैं उनके नंबर काउंट कर लो साइज ऑफ पॉपुलेशन नेचर में इट कुड बी एज लो एज लेस देन टेन साइबेरियन क्रेन्स पॉपुलेशन साइज बेटा दस से भी कम हो सकती है किसी स्पेशीज की फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन्स क्योंकि ये साइबेरियन क्रेन्स बेटा साइबेरिया से आती हैं तो ऐसा नहीं है कि हज़ार दो हजार लाख साइबेरियन क्रेन्स साइबेरिया से भरतपुर में आती है कुछ कम भी हो सकती है बेटा अब तो वैसे भी बहुत कम आ रही है बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से रास्ता भटक गई ऐसा कहते हैं ठीक है साइंटिस्ट लोग तो बहुत कम भी हो सकता है बेटा पॉपुलेशन साइज और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन साइज मिलियंस में भी जा सकता है अगर हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ों की बात करें जैसे क्लमाइडो एक ये यूनिसेलर एलगी है और पोंड में इनका नंबर देखोगे तो इट कैन गो अप टू मिलियंस ऑल्सो ठीक है तो ज़रूरी नहीं है हमेशा बहुत बड़ा होगा इट कैन बी एज लो एज साइबेरियन क्रीन्स इन द भरतपुर बर्ड सेंचुरी एंड इट कैन बी एज हाई एज क्लमायडो मनास इन अ पोंड ठीक है ये टी की बात है उसके बाद बेटा बायोमास और परसेंटेज कवर होता है ये क्या है वैसे तो हम कहते हैं बेटा कि टोटल नंबर सबसे बढ़िया तरीका होता है पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करने का तो अगर सबसे बढ़िया तरीका वो है तो बायोमास मतलब मास का मतलब वजन किसका वजन बेटा मास मतलब वेट किसका वेट बायोलॉजिकल स्पीशीज का वेट उसको बायोमास कहते हैं या उसका परसेंटेज कवर ये क्यों आया फिर पिक्चर में अगर टोटल नंबर इतना अच्छा था आया? तो देखो लिखा हुआ है टोटल नंबर इज जनरली मोस्ट तरीका डेंसिटी को मेजर करने का बट कभी -कबार ये मीनिंगलेस हो सकता है आपको बताती हूं ऊपर <coughs> में तो जो एनसीआरटी की बात कही हुई है वो यही कही हुई है कि पॉपुलेशन का जो नंबर है जो मैंने अभी आपको बताया साइबेरियन का, देखो दस से भी कम हो सकता है या पॉपुलेशन टोटल नंबर साइज मिलियंस में भी जा सकती है ऑलरेडी पढ़ लिया है अब देखो क्या लिखा हुआ है पॉपुलेशन साइज को या पॉपुलेशन डेंसिटी को सिर्फ एन से भी लिखते हैं ठीक है यह देखो लिखा हुआ है उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली ज़रूरी नहीं है आप हमेशा नंबर काउंट करके ही इसको मेजर कर सकते हो ऑल दो टोटल नंबर सबसे अप्रोप्रिएट तरीका होता है पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने का बट किसी किसी केसेस में या तो वो मीनिंगलेस हो जाता है या डिफ़िकल्ट हो जाता है डिटरमाइन करने के लिए ऐसा क्यों कहती है एन बेटा क्योंकि एक एरिया में फॉर एग्जाम्पल बेटा आप जिस जगह पर रह रहे हो वहां पर 200 सौ कैरेट ग्रास है पार्थेनियम के पौधे हैं पार्थेनियम देखा होगा नहीं देखा है फटाफट गूगल कर लेना सबने देखा होगा शायद तुम्हें तो नाम नहीं पता होगा जैसे मैंने भी Uh, जब पढ़ रही थी बराबर स्टूडेंट तो मुझे नहीं पता होता था तो पापा ने एक बार दिखाया था बिकॉज uh, मैंने शायद आपको बताया मेरे पापा भी बायोलॉजी टीचर हैं मैंने इलेवन ट्वेल्थ पढ़ी है उनसे तो उन्होंने दिखाया था दिस इस, दिस इस तो कि अच्छा दिस इज दिस इज दी पार्थीनियम ओनी तो आई वॉज अमेज कि अच्छा ये है जंग जंगली पौधा होता है बरसात के टाइम में बहुत तुम्हें दिखाई देगा uh, क्योंकि इन्वेसिव स्पीशीज़ है बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है तो सबने देखा होगा शायद तुम्हें नाम नहीं पता होगा तो एक बार गूगल कर लेना तो तुम्हें पता भी चल जाएगा अब ये ना बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं तो मान लो आपकी एरिया में दो पार्थेनियम के प्लांट हैं, बट उसी एरिया में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ कि बरगद की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है या 200 पार्थेनियम प्लांट की डेंसिटी ज्यादा है तो तुम क्या बोलोगे 200 पार्थेनियम प्लांट की ज्यादा है ऐसा तुम कैसे कह सकते हो तो बोलोगे मैम हमने टोटल नंबर का इस्तेमाल किया टोटल नंबर इस जगह पर सही नहीं होगा ये तुम्हें वेग रिजल्ट देगा अजीब रिजल्ट देगा ये अजीब सिचुएशन है क्योंकि एक जगह एक छोटे छोटे पौधों का नंबर इतना ज्यादा है और बैनियन ट्री इतना ह्यूज है इतना बड़ा इतना विशाल वो भूल नहीं सकते हम है ना तो देखो क्या लिखा हुआ है कि जब 200 सौ कैरेट ग्रास है बट एक ही बैनियन ट्री है जिसकी बहुत बड़ी लार्ज कैनोपी है ठीक है तो अगर आप ऐसा कहते हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी बैनियन का लो है एज रिलेटिव टू दैट ऑफ कैरेट ग्रास ठीक है तो आप ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हो बेटा कि बैनियन का बरगद के पेड़ का हमारे इकोसिस्टम में क्या रोल है अगर आप ऐसा कहते हो ठीक है इन सच केसेस बेटा हम टोटल नंबर कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो रिजल्ट जो आप सोचोगे टोटल नंबर काउंट करके वो सही नहीं आएगा इन केसेस में हम बायोमास वजन करते हैं और तुम एक टहनी बरगद के पेड़ का वजन कर लेना ये 200 सौ पार्थेनियम प्लांट को पीछे छोड़ दे ऐसी सिचुएशंस में वी यूज परसेंटेज कवर ठीक है वी यूज बायोमास नॉट टोटल नंबर ठीक है उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है कि टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन ईजी एडोप्टेबल मेजर जहां पर पॉपुलेशन बहुत बड़ी होगी और तो किसी बड़े से जंगल में छोड़ दिया जाए, वहाँ पे तुम भी क्या count करते रहो कि नहीं है है, बेटा। ये तो बहुत time consuming हो सकता ऐसा एनसीआर कहती है तो देखो क्या लिखा हुआ है अगर आपके पास डेंस लेबोरेटरी कल्चर है बैक्टीरिया का पेट्री डिश में वॉट इज द बेस्ट मेजर टू रिपोर्ट इज डेंसिटी सम टाइम फॉर इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेश हर जगह आपको टोटल डेंसिटी चाहिए जरूरी भी नहीं होता ऐसा एनसीआरटी कह रही है समटाइम्स रिलेटिव डेंसिटी से ही काम चला, चल जाता है अच्छा खासा फॉर इंस्टेंस देखो लिखा हुआ है कि जो नंबर है फिश का दैट इज कॉट पर ट्रैप इज गुड इनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक आपने मछली के लिए जाल फेंका कितनी मछली उस जाल में फंस करके आ रही है उसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उस मछली का लेक के अंदर कितनी पॉपुलेशन साइज होगी आपको उसके लिए तालाब में उतर करके देखना नहीं पड़ेगा और मछलियों को काउंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मछलियां काउंट नहीं कर सकते आप इतने बड़े समुंदर में कर सकते हो नॉट ईजी तो उस टाइम पे हम रिलेटिव डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे पॉपुलेशन साइज को बताने के लिए टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज़ेस इनडायरेक्टली और कभी कभार बेटा तुम्हें इनडायरेक्ट तरीका अपनाना पड़ता है किसी ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशन साइज को जानने के लिए अब जैसे शेर है टाइगर है बेटा तुम टाइगर के सामने जाकर के एक दो तीन चार नहीं कर सकता अंताक्षरी खेलोगे ना इतने में तुम्हें पर अटैक कर देगा वो बिकॉज देर वाइल्ड एनिमल्स तुम उनके सामने ऐसे नहीं कर सकते एक दो तीन चार यू कांट यूज टोटल नंबर वाला कॉन्सेप्ट तो वहां पर इनडायरेक्ट तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है ठीक है कैमरास लगे होते हैं बेटा मॉनिटर करने के लिए उनको उनके जो पंजों के निशान होते हैं ना पग मार्क्स हर हाँ टाइगर के ये यूनिक होते हैं तो वो पंजों के निशान देख करके पहचाना जाता है अच्छा ये टाइगर दूसरा है ये टाइगर दूसरा है और उनके फीकल पैलेट फीकल मैटर को देख करके इन्वेस्टिगेट किया जाता है ठीक है तब उस हिसाब से बताया जाता है कि इस एरिया में कितने टाइगर के नंबर हैं कितने पॉपुलेशन साइज है ठीक है उसको इनडायरेक्ट तरीका बोलते हैं तो हमने चार तरीके पढ़े चार में से दो तो हमने यहीं पर पढ़ लिए थे मैंने आपको एनसीआर में पढ़ाया तो देखो लिखा हुआ है एक तरीका होता है रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकाली जाती है बेटा एक जगह पर जितने भी नंबर ऑफ स्पीशीज हो आप ऑन जैसे मान लो आपको सिर्फ मैंगो का ही लगाना है रिलेटिव डेंसिटी तो जाओ मैंगो के पेड़ का नंबर काउंट करो और उस जगह पर जितने भी और पेड़ है स्पीशीज है उनका काउंट करो इन टू हंड्रेड कर दो बिकॉज यू है नेक्स्ट इनडायरेक्ट तरीका

कि जो पॉपुलेशन मान लो एक for example, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि मान लो आप नेशनल पार्क गए और वहां पर आपने फॉर एग्जाम्पल आई एम से पॉपुलेशन डेंसिटी टाइगर की बताई पचास है पचास टाइगर है तो क्या ये फिक्स है आप आज से पांच साल दस साल भी जाओगे तो आपको पचास ही मिलेंगे नहीं हो सकता इसमें से कुछ डेथ हो गई हो सकता है उनको निकाल करके कहीं किसी और नेशनल पार्क में भेज दिया हो गया किसी और टाइगर रिजर्व में भेज दिया हो गया अभी वो चीता आए थे ना बेटा किसी और कंट्री से आए ठीक है तो जिस जगह से आए वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी घटा दिया एम में आए तो एम का बढ़ा दिया उस जंगल का है ना तो ये क्या फिक्स है पॉपुलेशन साइज नहीं ये चेंज हो सकती है चेंज होने के चार रीजन हैं हो सकता है जानवर वो मर जाए क्या हो सकता है कोई नया बच्चा आ जाए रिप्रोडक्शन के थ्रू हो सकता है कि वो उस जगह से हट जाए कहीं और चला जाए ठीक है जगह से हटना इमिग्रेशन कहीं और जाना एमिग्रेशन ठीक है तो ये चार रीजंस होते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं जैसे देखो क्या लिखा हुआ है जो पॉपुलेशन की साइज है ये कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं है स्टैटिक मतलब फिक्स नहीं है ये बदल सकती है तो देखो क्यों लिखा हुआ है लिखा भी हुआ है ये टाइम के साथ बदलती रहती है डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे फॉर एग्जाम्पल फूड अवेलेबिलिटी अगर एक टाइगर जिस जगह रह रहा है उस जगह पे उसको खाने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा तो वो उस जगह से छोड़ करके दूसरी जगह में चला जाएगा ठीक है नेक्स्ट प्रिडेशन वहां पर उसको खाने के लिए कोई जानवर ही नहीं मिल रहा ठीक है डियर ही नहीं है उस जगह चला जाएगा जहाँ डियर हो ठीक है उसके बाद एडवर्स वेदर अगर उस जगह का वेदर नहीं अच्छा होगा मौसम नहीं अच्छा होगा तो भी वो माइग्रेट कर सकता है ठीक है इनफैक्ट इट इज दीज चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव सम आइडिया ऑफ वॉट इज हैिंग टू दॉपुलेशन और अगर पॉपुलेशन साइज़ेस हमेशा फिक्स हो चेंज ही ना हो तो आपको कुछ पता ही नहीं चल पाएगा मान लो टाइगर 50 था बेटा उस नेशनल पार्क में अगर पांच मर गए तो आपको पता चलेगा अच्छा पांच मरने की वजह क्या है मान लो दो सौ दो सौ में सौ मर गए आपको पता चलेगा अच्छा इसको टाइगर ने खा लिया शेर ने खा लिया तो आपको और चीजों के बारे में नेचर में पॉपुलेशन में क्या होती है आपको पता चल सकता है ठीक है कि पॉपुलेशन ये जब चेंजेस देखते हो बढ़ रहा है पॉपुलेशन साइज या घट रहा है तो ये क्या क्या चीजें बताता है ये बताता है कि पॉपुलेशन फ्लरिश कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है कब करेगा जब पॉपुलेशन डेंसिटी किसी ऑर्गेनिज्म की बढ़ेगी डिक्लाइन कब करेगा जब पॉपुलेशन साइज घटेगी वॉट एवर माइट बी दी अल्टीमेट रीजन कोई भी वजह हो जो तो डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की इन अ गिवेन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवेन पीरियड फ्लक्चुएट्स करती है ड्यू टू चेंज इन फोर बेसिक प्रोसेस चार बेसिक प्रोसेस हैं जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट फ्लक्चुएट चेंज करता है और वो चार वजह क्या है नेटैलिटी नेटेलिटी का मतलब बर्थ रेट बर्थ रेट का दूसरा नाम नेटेलिटी है या होता है इमिग्रेशन जैसे पंजाब के जितने भी लोग हैं बेटा वो इमिग्रेट करके कनाडा चले जाते हैं परमानेंट वो लेकर के पीआर लेकर के है ना तो इंडिया से गए तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी घटाई कनाडा में गए तो कनाडा की पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज की तो जिस कंट्री में जा रहे हैं उसको इमिग्रेशन कहा जाता है जिससे एग्जिट मारा है उसके लिए एमिग्रेशन कहते हैं जब आप फ्लाइट बोर्ड करते हो बाहर जाते हो बेटा जब आप बाहर जाते हो तो आप इमीग्रेशन वाले डेस्क पे जाते हो जब आप वापस आते हो इंटरनेशनली घूम करके तो आप इमिग्रेशन वाले डेस्क पर आते हो आई आई फॉर इन ऐसे याद रखना ठीक है तो नेटेलिटी इज बर्थ रेट इन मतलब अंदर आना इमिग्रेशन किसी स्पीशीज का एक जगह में आना तो ये दोनों पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं ठीक है तो देखो लिखा हुआ है दे टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी और दो मोर्टेलिटी क्या है बेटा डेथ रेट ठीक है और एमिग्रेशन एमिग्रेशन को ई से रिलेट करना एग्जिट मतलब बाहर ये क्या करते हैं घटा देते हैं ठीक है जो चीता है जो बाहर से आया अफ्रीकन कंट्री से वहां से एग्जिट किया तो वो चीता उस कंट्री को छोड़ करके आया तो वो एमिग्रेशन था हमारे इंडिया में आया एम के नेशनल पार्क में रिजर्व में तो उसने हमारे यहाँ की चीता की पॉपुलेशन की डेंसिटी को बढ़ाया है तो हमारे रिस्पेक्ट में वो इमिग्रेशन है उनके लिए वो एमिग्रेशन है तो आप खुद ही सोच लो किसने घटाई किसने बढ़ाई नेक्स्ट एनसीआरटी ने सबको डिफाइन किया है नेटेलिटी क्या होता है बेटा ये बर्थ रेट ही है अगर बर्थ रेट पूछे या नेटेलिटी पूछे यही डेफिनेशन लिखोगे ये क्या होता है नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन दी पॉपुलेशन जो हमारे इनिशियल डेंसिटी को बढ़ा देते हैं मोर्टैलिटी डेथ रेट होती है डेथ ठीक है इज द नंबर ऑफ डेथ जो पॉपुलेशन में होती है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ये भी क्या करती है बेटा ये घटा देती है इट डिक्रीजेज दी पॉपुलेशन डेंसिटी इट डिक्रीजेज दी पॉपुलेशन डेंसिटी ये सब एनसीआर का ही है ये चार रीजनस हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी फिक्स नहीं होती बदलती रहती है एक होता है इमिग्रेशन इमिग्रेशन क्या होता है जो भी इंडिविजुअल्स सेम स्पीशीज के डेट है ड्यूरिंग दी टाइम पीरियड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे चीता अपने जगह को छोड़ करके यहां पर लाए गए ठीक है तो यहां पर लाए गए हैं फ्रॉम एल्सवेयर तो वो क्या है इमिग्रेशन एमिग्रेशन क्या होता है बेटा इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन जिन्होंने अपना हैबिटेट छोड़ा एंड दे हैव है जैसे चीता ने अपनी कंट्री को छोड़ा इमिग्रेशन ठीक है किसी और कंट्री में आने के लिए तो ये चार तरीके इमिग्रेशन इंक्रीज करती है पॉपुलेशन डेंसिटी इमिग्रेशन डिक्रीज करती है पॉपुलेशन डेंसिटी इसके लिए एनसीआरटी ने ग्राफ दिया हुआ है ये ग्राफ एनसीआर का ही है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हम एन से डिनोट करते हैं उसको इफेक्ट करने के लिए बेटा चार पॉसिबल रीजंस है बर्थ रेट बी डेथ रेट डी इमिग्रेशन आई एमिग्रेशन ई तो बर्थ और इमिग्रेशन इंक्रीज करते हैं तो प्लस प्लस का साइन है इनके और इनके होने से पॉपुलेशन डेंसिटी में बढ़ोतरी आएगी एड ऑन होगा डेथ और एमिग्रेशन होने से किसी भी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में डिक्रीज आता है तो यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस क्योंकि इनके होने से पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी घट जाएगी ठीक है तो देखो लिखा हुआ है पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होती है जब बर्थ और इमिग्रेशन ज़्यादा हो एज कंपेयर टू डेथ एंड इमिग्रेशन और पॉपुलेशन पॉपुलेशन साइज घट जाएगी अगर बर्थ और इमिग्रेशन कम हो रहे हैं और डेथ और इमिग्रेशन ज्यादा हो रहे हैं ठीक है अब एनसीआर में एक पैराग्राफ और है देखो क्या लिखा हुआ है इज इज डेंसिटी डेंसिटी एट एट टाइम टाइम ठीक है मतलब आज से एक साल बाद प्लस वन प्लस वन का मतलब है आज से एक साल बाद ठीक है आज जो आप पॉपुलेशन देख रहे हो किसी भी स्पीशीज की किसी भी एरिया में वो आज से एक साल बाद सेम होगी क्या नहीं वो बदल सकती है तो अगर यहां पर प्लस फाइव लिखा हो तो आज से पांच साल बाद दस लिखा हो तो आज से दस साल बाद NCRT ने जो एनसीआर लिया है वो ये लिया है कि मान लो आज एक किसी स्पीशीज का पॉपुलेशन आप देख रहे हो तो एन टी है आज से एक साल तो वो एन टी प्लस वन होगा तो कैसे निकालोगे एन टी प्लस वन चार फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए तो देखो एन टी प्लस वन कैसे निकाला जाएगा सबसे पहले जो इनिशियल पॉपुलेशन है मान लो डियर की एक जगह पर एक जंगल में एक जगह पर 200 है आज 200 है आज से एक साल बाद कितनी होगी कैसे निकालोगे तो पहले तो 200 थी तो यहाँ 200 लिख दिया फिर देखोगे कितने बर्थ हुआ है डियर का वो ऐड करोगे फिर देखोगे कहीं कोई और डियर कहीं और से तो नहीं आया इमिग्रेशन इनको ऐड कर दोगे फिर ये देखोगे डेथ हुई है डियर की अगर हुई है तो कोई, कोई डियर अपनी जगह को छोड़ के कहीं और तो नहीं गया एमिग्रेशन ये सब प्लस आई को ऐड करोगे डी प्लस ई को ऐड करोगे माइनस करोगे और इनिशियल पॉपुलेशन में उसको ऐड कर दोगे तब जाकर के आपको डियर की फाइनल पॉपुलेशन एक साल बाद वाली मिल जाएगी देखो क्या लिखा हुआ है यू कैन सी फ्रॉम अबव इक्वेशन कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होगी जब बर्थ और इमिग्रेंट्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू डेथ And जब तभी बढ़ेगा। अगर हम normal condition की बात करें उस पर बेटा birth और death ही सबसे important factors हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं बट अगर हम स्पेशल कंडीशंस की बात करें एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है उस टाइम पर क्या इंपॉर्टेंट है देखो फॉर एग्जांपल देखो कहां हमारा लाग? हाँ फॉर एग्जाम्पल एक न्यूली है, अभी -अभी है।, तो है वहां कोई स्पीशीज रही नहीं रहा तो कोई रही नहीं रहा तो नया बच्चा या उनके मरने की बात ही नहीं करोगे है ना वहां पर क्या इंपॉर्टेंस हो जाएगा वहां पर भी बर्थ और डेथ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वहां पर जो स्पीशीज जाएंगे इमिग्रेशन उस कंडीशन में इमिग्रेशन विल बी इम्पोर्टेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा सोसाइटी बन रही है सोसाइटी अभी न्यूली न्यूली बन रही है वहां पर कोई है ही नहीं तो बर्थ और डेथ की तो बात ही नहीं जो लोग वहाँ जा रहे हैं जब वो बसाएंगे तो जाना ही इमिग्रेशन ठीक है तो न्यूली कॉलोनाइज हैबिटेट में बर्थ और डेथ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं होते इमिग्रेशन बिकम्स द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ठीक है तो हमने एनसीईआरटी लाइंस भी सारी की सारी कर ली हैं ठीक है नोट पॉइंट में जो अभी आपको एक्सप्लेन किया नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ इंपॉर्टेंट होता है और न्यूली कॉलोनाइज हैबिट में इमिग्रेशन इंपॉर्टेंट होता है वो नोट पॉइंट में लिखा हुआ है अब हम क्या करेंगे बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ मिलने वाला है आपको होमवर्क ठीक so है तो फाइंड दी ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू दी पॉपुलेशन पॉपुलेशन नेटेलिटी बिल्कुल ठीक है बर्थ रेट बिल्कुल ठीक है एज प्राइमिटी है ये सारी बातें हम पॉपुलेशन लेवल ऑफ इकोलॉजी पर करते हैं बर्थ हम ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं बेटा ऑड वन क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी ठीक है नेक्स्ट क्या है ऑफ फॉलोइंग टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन इमिग्रेशन ये तो बेटा डिक्रीज करती है प्रिडेशन एक दूसरे को खाना भी डिक्रीज करेगा नटेलिटी इज बर्थ रेट बर्थ इट इज गोइंग टू इंक्रीज दुलेशन मैच दी कॉलम अब बेटा ये प्रीवियस क्लास का है क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने नहीं किया था क्वेश्चन अब ये अपना आपके पास नोट्स हैं आपको मैंने एन भी रीड करा दी थी आप अपने नोट्स से इसको मैच करिए ये आपका होमवर्क है और कमेंट करके अपने आंसर्स को बताइए नेक्स्ट स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स टेन टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू द लार्जर एनिमल्स बिकॉज दे हैव दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क क्योंकि ये भी मैंने आपको कल ही पढ़ाया है ठीक है मतलब नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में नोट्स खोलो आंसर करो तभी तो मज़ा आएगा बेटा बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्स दिस इज ऑल्सो होमवर्क दिमाग लगाओ ये क्या है बेटा मैं आपको हिंट देती हूँ जब इंटरनल लेवल एक्सटर्नल लेवल कॉन्स्टेंट होता है तो ये रेगुलेटर्स हैं तो आपको बी में देखना है कि रेगुलेटर्स का एग्जाम्पल है ना तो वो सही होगा रेगुलेटर्स के अलावा है तो वो गलत होगा ए क्या है कन्फर्मर्स हैं और सी क्या है बेटा पार्शियल रेगुलेटर्स क्या है पार्शियल रेगुलेटर्स तो मैंने लेबलिंग कर दी है अब आपको लेबलिंग से मैच करना है स्पीशीज उसको बिलोंग करते हैं या नहीं तो फटाफट ये कर लोगे ना टफ़ नहीं है बिल्कुल भी ठीक है अपने तो आंसर्स को कमेंट करो और बताओ देखिए कितने वैसे मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो आपको होमवर्क देते बेटा बिल्कुल सही करते हो और बहुत खुशी मिलती है जब बच्चे वो पढ़ाया हुआ सही करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है तो आई विल सी कि इन क्वेश्चंस पे भी कितने बच्चों के सही आंसर्स होते एंड येस दैट्स ऑल्व फॉर टूडे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट अदर फैक्टर्स रिलेटेड टू द पॉपुलशन लेकोलॉजी तो बाय बाय टेयर बेटा रिवाइज करके आना बाय बायरी वन